आपने पूरे चैम्बर को वॉश कर देना है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फोर्थ जो स्टेप है हमारा कैनाल को लोकेट करना, जो कि हम करेंगे DG16 प्रोब से। DG16 प्रोब इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इसके अलावा अगर हमारी कैनाल कैल्सीफाइड है तो हम जो प्रोब यूज़ करेंगे वो है JW17 प्रोब, जो कि थिन भी है और स्टिफ भी है। स्टेप 5 पाथ फाइंडिंग, मतलब कैनाल का रास्ता ढूंढना, जो कि उसके लिए फाइल्स आती है पाथ फाइंडर्स फाइल। पाथ फाइंडिंग फाइल तीन टाइप्स की होती हैं, 6, 8, 10। 6 जो कि पिंक होती है, 8 जो कि ग्रे होती है, और 10 जो नंबर होती है फाइल वो होती है पर्पल नंबर। और ये फाइल्स डायामीटर में इतनी थिन होती हैं कि कैनाल में इजीली चली जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप, पार्ट फाइंडर आप जब भी डालो तो उसको कर्व करके डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी जो कैनाल्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, स्पेशली स्मॉलर नंबर फाइल्स। एपिक्स के 0.5 मिलीमीटर ऊपर होता है एपिकल फोरामेन, जिसको कहते हैं मेजर डायमीटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये समझता था कि जो एपिकल फोरामेन होता है वो बिल्कुल एपिक्स पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लेटरल साइड होता है, जो रूट की एपिक्स होती है उसे 0.5 मिलीमीटर ऑन एवरेज से ऊपर होता है, और उसको कहते हैं हम मेजर डायमीटर। अब एपिकल फोरामेन से भी 0.5 मिलीमीटर एक कंस्ट्रक्शन होती है, उसको कहते हैं एपिकल कंस्ट्रक्शन। एपिकल कंस्ट्रक्शन को माइनर डायमीटर कहा जाता है। एपिकल कंस्ट्रक्शन वो जगह है जहाँ पे हमें अपनी वर्किंग लेंथ एंड करनी है अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एंडोडोंटिक्स। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है हमें यहाँ तक हम करना चाहिए, लेकिन मोस्ट स्कूल ऑफ थॉट यही कहते हैं कि एपिकल कंस्ट्रक्शन तक हमें अपनी पूरी क्लीनिंग शेपिंग कम से कम करनी चाहिए, और यहाँ तक हमें अपनी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, जो कि है 2 एपिक्स से 1 मिलीमीटर शॉर्ट। वर्किंग लेंथ दो किस्म की होती है, एक एस्टिमेटेड और एक डेफिनेटिव। एस्टिमेटेड यानी हमने प्री ऑपरेटिव एक्सरे पे फाइल हमने रख के उसको मेजर कर लिया कि कहाँ तक एपेक्स पे ख़त्म हो रही है, और उतनी ही फाइल हमने बल्कि 2 मिलीमीटर शॉर्ट करके, क्योंकि 1 मिलीमीटर तो वैसे ही हमें एपिकल कंस्ट्रक्शन तक रखनी है और 1 मिलीमीटर रेडियोग्राफिक मैग्नीफिकेशन होती है, तो 2 मिलीमीटर शॉर्ट प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ एक्सरे से करके हमने कैनाल के अंदर डालनी है, या रेंडमली आप जहाँ फाइल आपकी बाइंड हो रही है वहाँ पे आप छोड़ दें। जैसे ही बाइंडिंग फाइल डाली, और हमेशा याद रखें एक्सरे बाइंडिंग फाइल के बाद रखना चाहिए, अगर आप पाथ फाइंडर रखेंगे तो एक्सरे में बहुत छोटी नजर आएगी, तो बाइंडिंग फाइल आप रखें और आप एक्सरे फौरन करवाएं। एक्सरे में पता चल जाएगा कि मिसाल आपने रखी है 18 पे, जो कि आपकी एस्टिमेटेड वर्किंग लेंथ है, और आपने एक्सरे में देखा कि वो एपिकल कंस्ट्रक्शन से 1 मिलीमीटर शॉर्ट आ रही है, तो इसका मतलब ये कि अब आप 18+1 कर दें और आपकी डेफिनेटिव वर्किंग लेंथ हो जाएगी 19, और आपको सारी क्लीनिंग और शेपिंग अपनी डेफिनेटिव वर्किंग लेंथ पर करनी है, जो कि आपकी 19 है। ISO फीचर्स, सबसे पहले आता है डायमीटर। अब हर फाइल को एक नाम दिया गया है, जैसे मिसाल या 25 नंबर फाइल लेकर आओ, 30 नंबर फाइल लेकर आओ। अभी 25-30 क्या है, ये इसका एक्चुअल में डायमीटर बता रहा है, लेकिन डायमीटर कौन सा, जो टिप पे फाइल का डायमीटर है। मसलन ये है 25 नंबर फाइल, तो इसका जो टिप है ये, इस टिप पे डायमीटर है 0.25 मिलीमीटर। तो दूसरा ISO फीचर फाइल का है, वो है टेपर। टेपर का मतलब ये होता है कि एक चीज़ शुरू कम से हो रही है और आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो रही है, तो इस फाइल को भी टेपर बनाना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैनाल है वो उसका एक्चुअल शेप भी टेपर होता है, और याद रखिएगा फाइल का काम ना सिर्फ क्लीनिंग है बल्कि कैनाल को शेप देना भी है उसकी ओरिजिनल एनाटॉमी में। इसका जो टेपर यहाँ से कम शुरू होती है वहाँ से बढ़ती रहती है, तो जो मैनुअल फाइल्स हैं उनका टेपर है 2%, यानी हर 1 मिलीमीटर फ्लूइड के बाद 0.02 मिलीमीटर फाइल बढ़ती जाएगी। मिसाल डायमीटर टिप पे है 25 का 0.25 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर आगे इसका डायमीटर हो जाएगा 0.27 मिलीमीटर। इस तरह हर मिलीमीटर के बाद 0.02 आपको प्लस करते जाना है। 16 मिलीमीटर तक आप प्लस कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फ्लूइड्स खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, फ्लूइड्स हमेशा 16 मिलीमीटर तक होते हैं वर्किंग लेंथ। फाइल का तीसरा फीचर, फाइल की लेंथ। लेंथ तीन किस्म की हैं, 21, 25 और 31। जो 21 बेसिकली यूज़ होती है वो पोस्टीरियर के लिए होती है, क्योंकि छोटी फाइल है आराम से चली जाएगी,
और नॉर्मली ओकेजनली 25 यूज होती है और 31 तब काम आती है जब कैनास बहुत बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल केनाइन। नंबर 4, हर फाइल की कलर कोडिंग है, रेड कलर, येलो कलर। तो आप ये सोच रहे होंगे यार इतना कलरफुल पैकेज क्यों बनाया गया है, ताकि हर कलर एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कलर कोडिंग है ये। और फाइल की जो कलर कोडिंग है वो है व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। क्या आप ट्राई करें? चलो मैं बोलता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। मजाक कर रहा हूँ, ये आप देख लें हमारी स्क्रीन पे और आपको इस तरह फिंगर टिप्स पे ये कलर कोडिंग याद होनी चाहिए और फाइल की डायमीटर भी आपको याद होनी चाहिए। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 बढ़ते रहते हैं, 60 तक 5 बढ़ते हैं, 60 के ऑनवर्ड्स वो 10 बढ़ना शुरू जाते हैं, 60, 70, 80 और 140 तक 10 बढ़ते हैं। लेकिन कलर कोडिंग 6 ही होती हैं, 6 खत्म होंगी फिर से वो वाइट येलो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या थी कलर कोडिंग? वाइट येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। आपके लिए आज के लिए टंग ट्विस्टर एक्टिविटी, वाइट येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। आपको तीन दफा लगाता कौन है, किस तरह? वाइट येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट येलो, रेड। तो आप भी ट्राई करें, इस तरह आपको जरूर कलर कोडिंग याद हो जाएगी। थैंक यू। तो इनमें दोनों रेड फाइल्स हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सी के फाइल है कौन सी एच फाइल है? तो जो के जो फ्लूइड्स होते हैं वो स्पाइरल होते हैं और एच के जो फ्लूइड्स होते हैं वो है कोन शेप, और दोनों का क्रॉस सेक्शन में भी फर्क है। के का स्क्वायर होता है और एच का सर्किल होता है। पता कैसे चलेगा क्रॉस सेक्शन का? इसके हैंडल को ऐसे उल्टा टर्न करो, आपको अगर स्क्वायर नजर आए तो इसका मतलब के है, आपको सर्किल नजर आए इसका मतलब एच फाइल है। अब भाई दोनों में फर्क क्या है के और एच में? तो के जो है वो उससे हम फाइलिंग, रीमिंग, हर किस्म का मोशन कर सकते हैं। बेसिकली ये सबसे अहम फाइल है जो क्लीनिंग शेपिंग में इस्तेमाल होती है। एच का जो अहम फंक्शन तब आता है जब हमें जीपी रिमूव करनी होती है, यानी रीट्रीटमेंट के केसेस में। फाइल इसमें एक तो होता है इसका हैंडल, नंबर 2 इसकी जो ये होती है सारी वो शेफ्ट होती है वर्किंग, और इसके अंदर जो वर्किंग पार्ट होता है वो जिसको फ्लूइड्स कहते हैं वो सिर्फ 16 मिलीमीटर का होता है। चाहे फाइल की लेंथ जितनी भी हो लेकिन जो वर्किंग फ्लूइड्स होते हैं वो 16 मिलीमीटर तक होते हैं। और उसके बाद जो ये चीज़ आप देख रहे हैं फाइल की, हम किसी कैनाल की हम ढूंढ रहे हैं वो है 18 मिलीमीटर और फाइल है 21 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉपर की मदद से फाइल को हम रोक देंगे। अगर ये स्टॉपर नहीं होगा तो फाइल पूरी की पूरी चली जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि हमें वर्किंग लेंथ से बाहर हम ना चले जाएं। तो इसलिए ये स्टॉपर का होना यहाँ लाजमी है, और स्टॉपर हमेशा रेफरेंस पॉइंट तक रुक जाता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? उस दांत का जो सबसे हाईएस्ट कस्प होता है, कस्प टिप होती है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। उसको आप फ्लैट भी कर सकते हो ताकि वो रेफरेंस पॉइंट बन जाए। स्टेप 6, कोरोनल फ्लेयरिंग। हम अपने कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोरोनल थर्ड, मिडिल थर्ड एंड एपिकल थर्ड। अब हम कोरोनल फ्लेयर करेंगे, मतलब कोरोनल पार्ट को हम वाइड करेंगे जैसे हमारी फाइल अनइंटरप्टेड एपिकल थर्ड तक पहुंच जाए। फ्लेयरिंग हम जीजी बर्ड से करते हैं। जीजी बर्ड 6 टाइप्स के होते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि 1 कौन सा है, जीजी बर्ड 2 कौन सा है? ये आपको सर्किल नजर आ रहे होंगे बर्ड में। ये नंबर 1 एक सर्किल है क्योंकि जीजी बर्ड नंबर 1 है, फिर 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल। कैलकुलेशन से आपको कैलकुलेट करना है कि कहां तक जीजी बर्ड डालना है। आई एग्री, मैथमेटिक्स में आप भी बेकार हो, मैं खुद बेकार हूं, इसीलिए हमने बायोलॉजी ली थी और आज हम डॉक्टर बने हैं, पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो अब ये कि वर्किंग लेंथ मिसाल है किसी दांत की 20, अब उसमें क्राउन ऑन एवरेज कितना होता है? क्राउन होता है वो 8 होता है, तो 8 हो गई क्राउन। अब यानी कि जो हमारी रूट की जो कैनाल हो गई वो है 12 मिलीमीटर। अब इसको हमें करना है डिवाइड बाय 3, क्यों? क्योंकि कैनाल को हमने 3 हिस्सों में तोड़ना है, एपिकल, मिडल और सर्वाइकल, यानी कि 4 मिलीमीटर, यानी 4 मिलीमीटर हुई एपिकल थर्ड, 4 मिलीमीटर हुई मिडल थर्ड, 4 मिलीमीटर हुई सर्वाइकल थर्ड। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वर्किंग लाइन 20 है और क्राउन की हाइट अगर 8 है, वो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। 4 हो गई ये सर्वाइकल थर्ड। तो आपको अब जीजी बर्ड 4 पे नहीं रखना, आपको मतलब यहां तक प्रिपेयर करना है, आपको करना है 4 प्लस 8 मिलीमीटर। ये 8 आपने इसलिए प्लस किया, ये आपने क्राउन की हाइट भी प्लस कर दी, क्योंकि जीजी बर्ड जा रहा है वो क्राउन से होता हुआ जा रहा है, तो 8 मिलीमीटर क्राउन से होता हुआ जा रहा है और 4 मिलीमीटर आपको सर्वाइकल करना है। तो यानी 12 मिलीमीटर तक आपको अपना जीजी बर्ड रख सकते हैं।
आपको 3 GB का इस्तेमाल करना है। मिसाल आपने जैसे डिसाइड किया है 2, 3 और 4 कर रहे हैं हम, तो हमारे पास इसमें भी दो टेक्निक्स हैं, या तो हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए। मिसाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले 4, तो 4 GB को हमने रखना है 10 mm तक, फिर 3 GB को हमने रखना है 11 mm तक, और फिर जो 2 नंबर का जो GB है जो कि सबसे छोटा है वो हमें रखना है 12 mm तक। इस तरह हमें ये सीक्वेंस बनाना है। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, पहले 2 लो 12 mm तक, फिर 3 लो 11 mm तक, फिर 4 लो 10 mm तक। तो ये होती है कोरल फेड। क्लीनिंग शिपिंग का वो ये है कि बाइंडिंग फाइल को ढूंढना है। तो बाइंडिंग फाइल क्या होती है? पहली फाइल जो कि कैनाल में बाइंड हो जाए, यानी थोड़ी रेजिस्टेंस के साथ इसको निकालना पड़े, थोड़ी रेजिस्टेंस शो करे। तो मोस्टली ये पोस्टीरियर दांतों में 15 होती है और एंटीरियर दांतों में कैनाल क्योंकि वाइड होता है तो वो 25-30 भी हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल आके करते हैं कि सर मास्टर पाइकल फाइल कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो भाई इसका जवाब ये है कि मास्टर पाइकल फाइल आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी होती, आपको बाइंडिंग फाइल सेलेक्ट करनी होती है। और बाइंडिंग फाइल वो फाइल है जो वो पहली फाइल है जो बाइंड हो जाए और आपको उसको निकालते हुए रेजिस्टेंस फील हो, जैसे हमने पहले बता दिया। मिसाल के तौर पे बाइंडिंग फाइल है 15 नंबर जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, स्पेशली पोस्टीरियर डेंटिशन। अब तुराब निजात में डेफिनेशन लिखी हुई है 2 और 3 फाइल्स ग्रेटर देन बाइंडिंग फाइल इज नोन एज मास्टर पाइकल फाइल। मिसाल ये हो गई 2 और 3 कर लेते हैं इसको, तो 20 फिर 25 या 30, तो हमारी मास्टर पाइकल फाइल जो होगी वो होगी 25 या 30 हमारी मास्टर पाइकल फाइल होगी। हम किसी को भी रख सकते हैं बाइंडिंग फाइल अगर हमारी 15 है। मास्टर पाइकल फाइलिंग का मतलब ये होता है कि आप जो कैनाल होती है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, एपिकल थर्ड, मिडल थर्ड और कोरोनल थर्ड। अब एपिकल थर्ड की जो प्रेपरेशन है वो मास्टर पाइकल फाइल पे खत्म हो जाती है। आप चाहो तो मास्टर पाइकल फाइल को 6 नंबर भी बढ़ा सकते हो, इससे क्या होगा वाइड एपिकल प्रेपरेशन हो जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 3 नंबर बढ़ाना होता है और आपको मॉडरेट एपिकल प्रिपरेशन रखनी है। एपिकल थर्ड, अब हमें प्रिपेयर करना है हमारा मिडल थर्ड। तो मिडल थर्ड को प्रिपेयर करने के लिए मोस्ट कॉमनली टेक्निक यूज होती है वो होती है स्टेप बैक टेक्निक। अब उसमें क्या होता है कि आपको जो है फाइल का नंबर बढ़ाना है, मिसाल 35 फिर 40 फिर 45 यूज करनी है आपको, लेकिन आपको जो वर्किंग लेंथ है वो 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर कम करते जाना है। मिसाल वर्किंग लेंथ थी 19, तो इधर आप वर्किंग लेंथ पे करेंगे 18, 35 यूज करेंगे 18 तक स्टॉपर लगा के, फिर 40 नंबर फाइल जो होगी वो आप डालेंगे 17 तक, और 45 नंबर फाइल है वो आप डालेंगे 16 तक, और इस तरह आपकी करते जाएंगे जब तक आपकी मिडल पूरी प्रेप हो जाए। तो इसको कहते हैं स्टेप बैक टेक्निक। अब कोरोनल प्रेपरेशन हम करते हैं, जिसको जीजीबर से करते हैं उसको कहते हैं कोरोनल फ्लेयरिंग। अब जीजीबर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? मोस्टली हम 3 GB इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने 2, 3 और 4 नंबर जीजीबर इस्तेमाल कर दिया, तो हमें कितनी लेंथ तक जीजीबर अंदर डालना है ये एक कॉमन क्वेरी होती है स्टूडेंट की। तो सिंपल सा जवाब ये है कि हमें इतना मेक श्योर करना है कि ये सर्वाइकल थर्ड तक ही हो, उससे नीचे ना जाए, मिडल थर्ड तक नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। इरिगेशन इसके साथ नहीं करनी, आपने इरिगेशन करनी है लियोलॉक नीडल, जो कि आपने बुक्स में पढ़ी होगी, देखी होगी। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये साइड वेंटेड है और दूसरा इसका गॉज जो है 27 है, ये डीपली आपके कैनाल में इंगेज होगी और जितना कैनाल में डीप इंगेज होगी उतनी इरिगेशन आपकी अच्छी होगी। ये लियोलॉक नीडल आपने कैनाल में डाली, फिर आपने ऊपर नीचे इस तरह से इरिगेशन करनी है, अप एंड डाउन मोशन में आपने इरिगेशन करनी है। एक जगह पे आपने कभी इरिगेशन नहीं करनी, अप एंड डाउन इस तरह से आपने इरिगेशन करनी है। जैसे आप फाइलिंग मोशन देते हो उसी तरह आप इरिगेशन करेंगे। नीडल को हम 2 mm वर्किंग लेंथ से शॉर्ट रखते हैं ताकि ये एक्सट्रूड ना हो, क्योंकि इरिगेशन सॉल्यूशन 1 mm बियॉन्ड द टिप जाता है, क्योंकि अगर एक्सट्रूजन हो गई तो सोडियम हाइपोक्लोराइट एक्सीडेंट हो जाएगा।
आइडियल इरीगेटिंग सॉल्यूशन 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड है। उसके बाद आपने सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग करनी है, जो कि हम 10 नंबर फाइल से करते हैं। सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग ऐसे करते हैं जैसे आप अपने दीवार को पेंट करते हैं, चारों वॉल्स को आपने पेंट करके ऊपर आना है, चारों वॉल्स को आपने पेंट करके ऊपर आना है, जैसे कि डेब्रिस नीचे आपका जमा ना हो। फाइल की मोशन की बात करते हैं। सबसे जो पहला मोशन है वो है वॉच विंडिंग मोशन। वॉच विंडिंग मोशन में ये होता है कि आप अपनी पॉलिश फाइल यानी पार्ट फाइंडर आप उठाते हो हाथ में, और पार्ट फाइंडर आप जैसे ही डाल रहे हो तो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके डालना है जहाँ तक रेजिस्टेंस आपको फील हो। इसकी सिंपल सी मिसाल है, मिसाल आपने दीवार पे स्क्रू के लिए होल ड्रिल किया है, अब आप स्क्रू को आपने तब तक अंदर डालना है जब तक रेजिस्टेंस फील हो और गोल गोल करके डालना है, उसको कहते हैं वॉच विंडिंग मोशन, जो कि स्टार्ट में यूज होता है। उसके अलावा जो दो मेन मोशन हैं जो पूरी क्लीनिंग और शेपिंग में इस्तेमाल होते हैं, नंबर वन फाइलिंग मोशन, नंबर टू रिमिंग मोशन। फाइलिंग मोशन इज बेसिकली पुश एंड पुल मोशन, पुश पुल इन आउट, पुश पुल इन आउट, इसको कहते हैं हम फाइलिंग मोशन, जो कि के फाइल से सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा मोशन है रिमिंग मोशन। रिमिंग मोशन में ये होता है कि फिर दुराबे निजात में लिखा हुआ है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फाइल इज नोन एज रिमिंग मोशन, यानी आपने फाइल डाली उसको आपने रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो थोड़ा सा क्वार्टर पुल करके रोटेट करके उसको वापस ऊपर खींचना होता है, इसको कहते हैं रिमिंग मोशन। आपने फाइल डाली और आपने उसको रोटेट किया, गोल घुमाया, और उसको फिर क्वार्टर टर्न वापस से उसको रिवर्स करके आपने उसको जब बाहर निकालना हो फिर उसको बाहर निकाल दिया, उसको कहते हैं रिव्यू मोशन, और इन एंड आउट को कहते हैं फाइलिंग मोशन। ये दोनों मोशन क्लीनिंग और शेपिंग में कभी कभी कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर देखें कि हमारी जो है परफोरेशन हो गई, और जब और कैसे हो गई, ऐसे हुई कि जो हमारी 10 नंबर फाइल है, 15 नंबर बाइंडिंग फाइल है, वो एपिकल फोरमेन से बाहर एक्सट्रूड हो गई है। तो इसको परफोरेशन नहीं कहते हैं, इसको पेटेंसी कहते हैं। अब सवाल है कि पेटेंसी क्या है। पेटेंसी जो बेसिकली है उसमें ये कि आप डिलीबरेटली जानबूझ के 10 या 15 नंबर फाइल एपिकल फोरामेन से आप उसको बाहर निकालते हो, थोड़ा सा उसको स्लाइटली पैसिवली उसको बाहर निकालते हो, और इसका बेसिकली रीजन ये होता है, पेटेंट का मतलब एक चीज खुल जाना, इसका रीजन ये होता है कि आपकी पूरी जो वर्किंग लेंथ हो वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द क्लीनिंग एंड शिपिंग, और जो भी डेब्रिस तो एपेक्स पे अक्यूमुलेटेड होता है वो सारा डेब्रिस निकल जाए और आपका कोई भी लैश फॉर्मेशन ना हो और पूरी वर्किंग लेंथ आपकी मेंटेन रहे, कैनाल पेटेंट रहे, मतलब खुली हुई रहे, बंद नहीं, कहीं बंद ना हो जाए। ये तीन टर्म्स आपने जरूर सुने होंगे, एक ओपन एपेक्स, एपिकल स्टॉप, एपिकल सीट। ओपन एपेक्स ये होता है कि आपकी जो एपेक्स हो वो खुली हुई हो और आपकी जो भी वर्किंग लेंथ मिसाल 19 है और आप अपनी मास्टर अपाइकल फाइल डालो तो वो बाहर निकल आ जाए फोरामेन से, अगर अनलेस आप उसको स्टॉपर नहीं रख रहे 19 पे तो वो बाहर निकल जाए। एपिकल स्टॉप हम उसको कहते हैं कि मिसाल 19 वर्किंग लेंथ है, आप मास्टर अपाइकल फाइल डालो 19 पे वो स्टॉप हो जाए, और या तो आप अगर स्मॉलर नंबर यानी कि 10 या 15 नंबर फाइल भी डालो वो भी 19 पे यानी कि वर्किंग लेंथ पे स्टॉप हो जाए, तो उसको कहते हैं कि हमारे एपिकल पे स्टॉप आ चुका है, तो ये हर फाइल को रोक रही है, उससे आगे जाने नहीं दे रही। तो ये हो गया ओपन एपिक्स जो कि जाने दे रही है सबको, एपिकल स्टॉप जो सबको रोक रही है। अभी एपिकल सीट क्या है। एपिकल सीट ये है कि आप 30 नंबर फाइल डालोगे यानी मास्टर अपाइकल फाइल, वो तो 19 वर्किंग लेंथ पे रुक जाएगी, लेकिन उससे स्मॉलर नंबर फाइल यानी 15-20 अगर आप डालोगे तो वो क्रॉस हो जाएगी, वो नहीं निकलेगी, तो उसको कहते हैं एपिकल सीट। तो पांचवा आइटम है ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ यानी ये होता है कि आप मिसाल रोटरी एंडोडोंटिक्स कर रहे हो, लेकिन रोटरी एंडोडोंटिक्स करने से पहले आपको थोड़ी सी मैनुअल फाइलिंग करनी होती है, वो इसलिए करनी होती है ताकि रोटरी फाइल के लिए आपके लिए रास्ता खुल जाए। तो ग्लाइड पाथ मतलब ये है कि रास्ता क्रिएट करना ताकि रोटरी फाइल इजीली इंसर्ट हो जाए आपकी कैनाल के अंदर और वर्किंग लेंथ तक। उसमें क्या होता है कि आप 15, अब पीओपी में लिखा हुआ है कि आप 15 या 20 नंबर फाइल
से आप क्लीन मैन्युअली आप इसको कैनाल को आप क्लीन कर देते हो, और ताकि ग्लाइड पाथ क्रिएट हो जाए टू बी इंसर्टेड रोटरी फाइल्स के।